हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसे 2015 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द लॉबस्टर, जिसे डायरेक्ट किया था योर्गोस लैंथिमोस ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 7.2 आउट ऑफ 10 स्टार। इस कहानी में हम एक ऐसी सोसाइटी को देखेंगे जिसमें कोई भी इंसान सिंगल नहीं रह सकता। अगर वो सिंगल है तो उसे 45 डेज दिए जाएंगे अपना पार्टनर ढूंढने के लिए। फिर भी वो अपने पार्टनर को नहीं ढूंढ पाया तो उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मूवी के शुरुआत होते ही हम डेविड नाम के बंदे को देखते हैं। उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है और वो अभी सिंगल है, लेकिन उस सोसाइटी में सिंगल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए अगले दिन उसे एक मिस्टीरियस होटल फैसिलिटी में ले जाया जाता है जहाँ उसके जैसे सिंगल लोग और भी हैं। उसे 45 डेज मिलेंगे अपना पार्टनर ढूंढने के लिए। उसे वहीं से अपने लिए एक पार्टनर चूज करना होगा, लेकिन पार्टनर चूज करने के लिए एक कंडीशन होती है। पार्टनर बनने के लिए दोनों में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, उसके बाद ही वो दोनों कपल बन पाएंगे। नहीं तो 45 डेज के अगले ही दिन उन्हें उनके पसंदीदा जानवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस होटल को ओलिविया नाम की बंदी और उसका हस्बैंड चलाता है। डेविड के होटल पहुंचने के बाद ओलिविया उसके पास आती है और उसे पूछती है अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो उसे कौन से जानवर में कन्वर्ट होना है। तब डेविड कहता है लॉबस्टर, क्योंकि लॉबस्टर 100 साल तक जीवित रह सकता है और डेविड को समुद्री जीव बहुत पसंद है। उसके पास एक डॉग भी है जो उसका भाई होता है, वो सिंगल रह गया था इसीलिए उसे डॉग में कन्वर्ट कर दिया गया। डेविड के डैड उसकी मॉम को छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए थे, तब उसकी मॉम सिंगल रह गई थी और फिर उन्हें वुल्फ में कन्वर्ट कर दिया गया। वो अब चिड़ियाघर में रहती हैं। इस होटल के कुछ रूल होते हैं, यहाँ पर कोई भी मास्टरबेट नहीं कर सकता, मतलब मुट्ठ नहीं मार सकता। इसके लिए होटल की मेड आकर उनके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होती है ताकि लड़कियों के ऊपर उनका अट्रैक्शन बना रहे। इस होटल से काफ़ी सारे लोग भाग गए थे क्योंकि वो जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे। ये लोग पास के ही जंगल में छुपे हुए थे, उन्हें लोनर ग्रुप कहा जाता था। होटल अथॉरिटी के जो भी मेंबर थे वो अपने कैंडिडेट को लेकर इनका शिकार करते थे। जो कैंडिडेट जितने ज़्यादा लोगों को मारेगा उसे उतने ज़्यादा दिन का एक्सटेंशन दिया जाएगा अपना पार्टनर ढूंढने के लिए। रॉबर्ट और जॉन नाम के कैंडिडेट से डेविड फ्रेंडशिप करता है। फिर एक दिन डेविड को एसले नाम की कैंडिडेट प्रपोज करती है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। वो कहती है अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी क्योंकि वो जानवर नहीं बनना चाहती। वो उसकी ये बात सुनकर भी उसे इग्नोर करता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन डेविड, जॉन और रॉबर्ट को अब तक पार्टनर नहीं मिला था, इसलिए जॉन थोड़ा डरने लगता है क्योंकि वो भी जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। वहाँ पर एक और कैंडिडेट होती है जिसकी नाक से हमेशा खून बहता था। जॉन उसे प्रपोज करता है, लेकिन उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज होनी चाहिए थी तभी वो दोनों कपल बन पाएंगे। इसलिए जॉन खुद को चोट पहुंचाता है और उसकी नाक से भी खून बहने लगता है। जब वो लड़की जॉन को देखती है उसे लगता है जॉन को भी वही बीमारी है जो उसे है, इसलिए वो उसे हाँ कर देती है और इन दोनों को कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद से ही जॉन अपने शर्ट पर टमाटो केचप लगा लेता था जिससे उसकी पार्टनर को लग सके उसकी नाक से खून बह रहा है। फिर हम देखते हैं डेविड अभी तक सिंगल है और वो एंजेलिका को प्रपोज करता है, लेकिन एंजेलिका में कोई इमोशन नहीं होता। तब डेविड को भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। ये दोनों कुछ दिन तक एक साथ रहते हैं। फिर एक दिन एंजेलिका डेविड को टेस्ट करने के लिए मरने का नाटक करती है और डेविड उसे देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे उसे लगता है कि डेविड भी उसी की तरह है। वो उसे हाँ कर देती है। फिर इन दोनों को भी कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन एंजेलिका को डेविड के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो डेविड के कुत्ते यानी उसके भाई को मार देती है और फिर डेविड का रिएक्शन नोट करती है। डेविड अपने भाई को मरा हुआ देखकर रोने लगता है। फिर एंजेलिका होटल की अथॉरिटी को उसकी कंप्लेंट करने जाती है कि डेविड फेक है और उसने झूठ बोलकर ये शादी की है। तब डेविड भी भागने लगता है। फिर होटल की एक मेड उसे छुपने में मदद करती है। फिर वो मेड और डेविड मिलकर एंजेलिका को बेहोश करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाते हैं। फिर उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद डेविड वहां से भाग जाता है। फिर जंगल में उसे लोनर ग्रुप मिलता है और वो उन्हें ज्वाइन कर लेता है। उनकी ग्रुप लीडर का नाम लिया होता है। इस ग्रुप के भी कुछ रूल्स होते हैं। इनके मेंबर्स एक दूसरे से प्यार, फ्लर्ट या इंटीमेट नहीं हो सकते। अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उसे सजा मिलती है। इस ग्रुप की लीडर लिया को प्यार में विश्वास नहीं होता। उसे लगता है प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सब एक दिखावा होता है। और जब कोई मुसीबत में पड़ता है तब वो सबसे पहले अपनी ही जान बचाता है, अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचता। इसलिए उस ग्रुप में रहने के लिए उन्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये लोग शहर में नहीं जा सकते हैं,
क्योंकि पुलिस इन्हें पकड़कर होटल की अथॉरिटी को सौंप देगी। कुछ दिन बाद डेविड रिचेल नाम की बंदी से मिलता है। रिचेल को दूर की कोई चीज ठीक से दिखाई नहीं देती। सेम प्रॉब्लम डेविड को भी होती है, इसलिए उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर हम देखते हैं होटल की मेड जिसने डेविड की मदद की थी वो लिया से मिली हुई होती है, क्योंकि वो मेड भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती थी और डिवोर्स देने के बाद वो सिंगल हो जाएगी और उसे भी वहाँ का कैंडिडेट बनना पड़ेगा जो वो नहीं चाहती थी। इसलिए लोनर ग्रुप का मेंबर बनने के लिए वो होटल की इन्फॉर्मेशन लाकर लिया को देती थी। ये लोग खाने पीने का सामान खरीदने के लिए हफ्ते में एक बार शहर जाते हैं, फॉर्मल कपड़े पहनकर और हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन एक बार एक पुलिस ऑफिसर डेविड से उसके पार्टनर के बारे में पूछता है और मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहता है। तब रिचेल वहां जाकर उसे बचा लेती है। वो कहती है वो डेविड की वाइफ है। फिर एक दिन ग्रुप के कैंडिडेट होटल पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। हमला करने में होटल की मेड उनकी मदद करती है। वो लोग सीधे ओलिविया के रूम में जाते हैं। फिर वो उसके हस्बैंड पर गन तानकर उसे ओलिविया को शूट करने के लिए कहते हैं। उसका हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट कर देता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। ये देखकर ओलिविया अपने हस्बैंड पर भड़क जाती है कि उसने उस पर गोली चलाई। फिर हम देखते हैं डेविड जॉन के रूम में जाकर उसकी वाइफ से कहता है इसकी नाक से कोई खून नहीं बहता, ये बस नाटक कर रहा है, क्योंकि लोनर ग्रुप का मोटिव किसी को मारना नहीं होता, वो सिर्फ कपल को दिखाना चाहते थे कि उनका रिलेशन कितना फेक है। फिर उसी रात होटल की मेड भी लोनर ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। डेविड और रिचेल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, वो एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और अब वो वहाँ से भागना चाहते हैं। रिचेल ये सारी बातें एक डायरी में लिखती थी। फिर एक दिन वो डायरी लिया को मिल जाती है। उसे डेविड और रिचेल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं पूछती। फिर वो सोचती है उन्हें सजा देना भी जरूरी है और वो रिचेल को डॉक्टर के यहाँ बहाना बनाकर ले जाती है। वो कहती है इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन डॉक्टर की मदद से वो उसे ब्लाइंड कर देती है। फिर हम देखते हैं रिचेल को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और लिया की जगह गलती से उस मेड को मार देती है। फिर वो डेविड को सब कुछ बताती है। डेविड उसकी बात सुनकर अपसेट हो जाता है, क्योंकि उन दोनों ने सोचा था कि शादी करके वो उस सोसाइटी में खुशी खुशी रह पाएंगे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। फिर भी वो दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। डेविड मौका देखकर लिया को बेहोश कर देता है और उसे एक कब्र में बांधकर चला जाता है। वहाँ पर जंगली कुत्ते आते हैं और लिया को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों शहर में आ जाते हैं। फिर ये एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और डेविड एक चाकू मंगाता है और डेविड भी ब्लाइंड होने का फैसला करता है, जिससे इन दोनों में फिर से सिमिलैरिटी हो जाए और वो शादी कर सकें। फिर वो बाथरूम में जाकर अपनी आँखों को फोड़ने ही वाला होता है, तभी उसका हाथ कांपने लगता है। फिर वहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें पता नहीं चल पाता कि डेविड ब्लाइंड हुआ था या उसने रिचुअल को छोड़ दिया था। इसका जवाब हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें समुद्र दिखाया जाता है, जहां पर हमें लहरों की आवाज़ आती है और हो सकता है डेविड ब्लाइंड ना हुआ हो, जिस वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा हो। और डेविड को फिर से होटल में ले जाकर 45 डेज पूरे होने के बाद उसे लॉबस्टर में कन्वर्ट करके समुद्र में छोड़ दिया हो। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।